खबर बिहार के भागलपुर से। देखिए, भागलपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई के इलाज के दौरान मौत हो गई उनकी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के बाद जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। निर्मल चौबे आईसीयू में भर्ती थे। परिजनों का आरोप है कि वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। करीब दो घंटे तक अस्पताल अधीक्षक को घेर कर रखा और हंगामा किया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ना तो अस्पताल अधीक्षक थे और ना ही जूनियर डॉक्टर्स और ना ही सीनियर डॉक्टर्स। ऐसे में ठीक से इलाज नहीं हो पाने के कारण अश्विनी चौबे के भाई की मौत हुई और इस मामले में दो डॉक्टर्स को निलंबित किया गया। आप ये देख लीजिए, प्रशासन के भी मौजूद हैं लोग। सूरज भूषण जी, आप भी गौर से सुनिए। जब ये माननीय मंत्री जी के घर का केस है, माननीय मंत्री जी के आम छोटे भाई हैं, जब उनके साथ क्या लापरवाही है तो आम जनता के साथ क्या लापरवाही होता होगा इस हॉस्पिटल में? आम जनता आपका क्या सुनेगा, मेरा क्या सुनेगा? हम लोग का औकात है, वही मर जाइएगा। किसी भी तरह की लापरवाही जिला प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा, उस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी कार्रवाई करेंगे हम एग्जाम्पल सेट होगा। थैंक यू। तो ये डॉक्टर भी ये समझ ले या जो हॉस्पिटल भी समझ ले कि हम लोग कैजुअल तौर पे काम करते हैं, वो अब करना बंद कर देंगे। अब सब पे कार्रवाई होगी जो भी नेग्लिजेंस होगा। पर आप लोग बस सबसे अपील है, हम लोग को बोलिए कि लोग हंगामा ना करें, क्योंकि हॉस्पिटल है, बहुत सेंसिटिव जगह है और ये आईसीयू है। थोड़ा सा भी हंगामा होगा, डॉक्टर सब भाग जाएंगे, फिर हमारे जितने पेशेंट्स जो आईसीयू में भर्ती है वो मरने लगेंगे, वो उधर कैजुअलिटी होने लगेगा। तो पहले हमें वो रोकते हैं कि अगला कैजुअलिटी ना हो। दो डॉक्टर्स पे कार्रवाई हुई है, दो डॉक्टर्स। चलिए, हर खबर पर नजर बनी हुई है और आपको बता दें कि अश्विनी चौबे के भाई की मौत हुई, उसके बाद से ये हंगामा हुआ और परिजनों का आरोप है कि बेहतर इलाज नहीं मिला और इसी वजह से इस शख्स की मौत हुई। और आपको बता दें, इस बीच ये भी जानकारी, आईसीयू में भर्ती थे इलाज के लिए लेकिन बेहतर इलाज नहीं मिलने का आरोप। परिजन कह रहे हैं कि ना ही कोई सीनियर डॉक्टर्स थे, ना जूनियर डॉक्टर्स, ना ही अस्पताल अधीक्षक थे, इसलिए लापरवाही हुई और बेहतर इलाज नहीं मिला और बेहतर इलाज नहीं हुआ, उसके बाद से परिजनों का यह हंगामा और तमाम आरोप। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रोहित सिंह का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या है ये पूरा मामला और पुलिस ने कुछ एक्शन लिया है, क्या कुछ आरोप लगाया जा रहा है परिजनों की तरफ से? देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के छोटे भाई हैं जो कि आर्मी से रिटायर हुए थे, निर्मल चौधरी चौबे का नाम है और जिनकी हालत पिछले दो तीन दिनों से तबीयत खराब थी और कल जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा शाम में, तो चार बजे शाम में इन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में भर्ती कराया गया। लेकिन जब इन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया तो उस वक्त आईसीयू में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जो कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि ना ही सीनियर ना ही जूनियर डॉक्टर मौजूद थे आईसीयू में और सुपरिटेंडेंट जो है हॉस्पिटल के वो भी मौजूद नहीं थे, और जिसकी वजह से उन्हें इलाज नहीं मिल पाया वक्त पर और उनकी मौत हो गई। उसके बाद अश्विनी चौबे के परिवार वालों ने वहां हंगामा भी किया तकरीबन दो घंटे तक, जिसका पुलिस वहां पर आई, उसके बाद मामले को शांत कराया गया और जो है लापरवाही का मामला यहां सामने आ रहा है, परिवार वालों की तरफ से आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल रोहित, आप नजर बनाकर रखें। एक और हमारे सहयोगी शशि भूषण जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शशि भूषण, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, इस मामले में दो डॉक्टरों को निलंबित किया गया है और भागलपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, मायागंज हॉस्पिटल भी इसको बोलते हैं, और कोरोना काल के दौरान भी इस हॉस्पिटल में जब मरीजों का इलाज हो रहा था तो कई बार लापरवाही की खबरें आती थी आशुतोष, लेकिन इस बार ये मामला जो है वो केंद्रीय मंत्री के भाई से जुड़ा हुआ है और जो अस्पताल के अधीक्षक हैं उन्होंने दो डॉक्टरों को निलंबित किया है। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया शशि भूषण इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। रोहित भी जुड़े थे हमारे सहयोगी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।